नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार, आप देख रहे हैं टेक्निकल आस्था। दोस्तों, आज मैं आपको लिए लेकर आया हूँ एक डबल ए और ट्रिपल ए बैटरी चार्जर। ये जो चार्जर है इसका नाम है आपका NB स्पीड स्टार ECR11। इसका मॉडल है ECR11। इसमें एक LED डिस्प्ले दिया हुआ है और इसमें इसको मैं खोल कर दिखाता हूँ। इसमें लिखा है डबल ए और ट्रिपल ए स्पीड स्टार ECR11 इसका मॉडल है और इसका प्राइस है 600 रुपीज़। इसको खोल के दिखाना। इसके साथ मिलता है ये बैटरी चार्जर, एक क्विक गन इंस्टॉलेशन और एक केबल जो इसमें लगा के चार्ज करने के लिए दिया गया है। इसमें प्राइस मेंशन नहीं किया है। हाँ, इसमें लिखा हुआ 995 रुपीज़। ये मिला है मुझे 600 रुपीज़ में। चलिए ये देखिए चार्जर, इसमें आपका पावर केबल लग जाएगा। आउटपुट वोल्टेज दे रहा है 1.2 वोल्ट और DC 1800 mA। ठीक है, इसमें मैं अभी यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। अगर आप इसमें बैटरी चार्ज करते हैं, अगर अलग अलग रेटिंग है उसका, ये देखिए मैं बैटरी को इसमें लगाता हूँ। ये डबल ए बैटरी है, इसमें लगाता हूँ। देखिए इसमें इंडिकेशन आ गया बैटरी का, ये अच्छी बात है, ये पता चल जाता है बैटरी कितना चार्ज है। अगर आपको दो बैटरी सेम वैल्यू का है, जैसे 2700 mA का बैटरी है ये, अगर मुझे दूसरा कोई बैटरी लगाना है जिसमें आपका 600 वैल्यू दिखा हुआ है या दूसरा कोई वैल्यू है, तो ये दोनों में एक ही पेयर में रखिए, इसको अलग में रखिए, क्योंकि इसमें एक मत रखिए। तो जैसे इसमें एक मैंने डाल दिया 600 का, तो इसमें और एक मैं 600 का डाल देता हूँ। ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर इसको निकालना चाहते हो तो निकाल दीजिए। आप इसको ऐसे करके भी रख सकते हैं। देखिए इंडिकेशन आ जाएगा और ये फुल होने पे पता चल जाता है। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था सोनी का चार्जर, सोनी का साइकिल एनर्जी। इसमें कुछ इंडिकेशन है भी नहीं, एक LED दिया हुआ है, ये भी जलता ही रहता है। तो इसमें एक क्विक गाइड इंस्टॉलेशन में लिखा हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था 8 आवर्स तक इसको चार्ज दे सकता है, उसके बाद ऑटो कट हो जाएगा। लेकिन इसमें इंडिकेशन तो दिखाना चाहिए था, इंडिकेशन में नहीं दिखाता है कि ये ऑफ होता है या ऑन होता है, जलता ही रहता है। तो इसमें एक अच्छी बात है, ये देखिए इसमें इंडिकेशन है फुल होने से। मोबाइल जैसे चार्ज होता है, बैटरी इंडिकेशन दिखाता है, इसमें फुल होने से फुल दिखाएगा, ये अच्छी बात है इसमें। और ये क्विक चार्ज होता है, इसमें आपको 8 घंटा लगता है, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा में ये फुल चार्ज हो जाएगा, 2 से 2.5 घंटा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और जिसने जिसने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।